आज बनाएंगे हम पनीर के पकोड़े, और इन पनीर के पकोड़ों को आप हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ या फिर आप गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, काफ़ी आसान रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पनीर लिया है, 300 ग्राम पनीर है, और इसे हम कट कर लेंगे, लंबे लंबे टुकड़े कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो छोटे छोटे चौकोर टुकड़े भी कर सकते हो, बड़े टुकड़े भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर, आप कैसा कट करना चाहते हैं। मैंने लंबे लंबे टुकड़े कट कर लिए हैं पनीर के। 300 ग्राम पनीर से हमने ये देखिए कितने सारे टुकड़े तैयार कर लिए हैं। और इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि पनीर तो नमक तो है नहीं इसके अंदर, तो हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। तो लगभग आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और अच्छे से लगा देते हैं। ये तैयार है, इनको कर देंगे हम साइड में। अब बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, एक कटोरी बेसन है, यानी कि लगभग 140 से 150 ग्राम के आसपास है, जो कि छान के लिया है, और नॉर्मल जो बाजार में मिलता है ना बारीक वाला, वही बेसन लिया है मैंने। साथ में मैंने नमक स्वाद अनुसार और अजवाइन एक चौथाई छोटा चम्मच डाल दी है, लाल मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच, और हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच। इसी के साथ ही थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक चौथाई छोटा चम्मच लिया है, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगा, बस हल्का सा डाला है, एक दो चुटकी बस, इतना ही काफ़ी है। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, लगभग एक छोटा चम्मच तो धनिया है और एक हरी मिर्ची थी बारीक बारीक काट के डाल दी मैंने। और अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर बनाकर तैयार करेंगे। पानी जो है वो मैंने एक कटोरी भर कर लिया है, एक कटोरी हमारे पास बेसन था उतना ही हमने पानी लिया है। अब देखते हैं कितना पानी बचता है या कितना पानी इसमें लगता है। और ये देखिए बैटर हमने तैयार कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते गए और इसे विस्कर से विस्क करते गए, या फिर स्पून से या फोक से आप मिक्स करते जाइए। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हैं मैं स्पून से डाल रहा हूँ इस तरीके से, तो बेसन की कंसिस्टेंसी ठीक है। मैं इसको ढक के रख रहा हूँ लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और पानी हमने एक कप लिया था, जिसमें से एक चौथाई कप पानी बच गया है। और इधर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, जिसमें ऑयल डाल दिया है, आप देसी घी में भी तैयार कर सकते हो। मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और उसे गर्म करने रख दिया है। इधर हमारा बैटर तैयार है, 15 मिनट के बाद इसके अंदर हम पनीर के टुकड़े डाल देते हैं, 7-8 पनीर के टुकड़े डाल देते हैं, और एक एक करके हम गरम तेल में डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, चेक कर लेते हैं। जैसे हमने एक ड्रॉप डाली बैटर की, वो ऊपर आ गई, इसका मतलब है तेल अच्छा गरम हो गया है। अब ऐसे उठाएंगे हम अच्छी तरीके से, पहले तो बेसन का जो बैटर है वो कोट हो जाना चाहिए, और डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। ऐसे ही हम 5-6 डाल देते हैं एक बार में, भाई कढ़ाई के ऊपर है, जितना बड़ा आपका कढ़ाई का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। छोटी कढ़ाई है तो 2-3, ज़्यादा बड़ी है तो 8-10, और ये देखिए 6-7 मैंने डाल दिए हैं। और अब इन्हें डीप फ्राई होने देते हैं, और ये देखिए आप डीप फ्राई हो रहे हैं, हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। गैस की स्पीड हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बेसन बेसन लगेगा नहीं तो खाने में फिर, इसीलिए मीडियम फ्लेम पर तैयार करेंगे इन्हें हम। और ये देखिए कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये हमारे तैयार हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर, कुछ देर इसी तरीके से रखेंगे हम, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे कढ़ाई में निकल जाएगा, और टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा बैच है, इसको मैं ऐसे ही तैयार कर लेता हूँ। तो ये मेरे टोटल 3 बैच में हमारे तैयार हो गए हैं सारे के सारे पनीर पकौड़े। पनीर के पकौड़े तैयार हैं, चलते हैं सीधे प्लेट की तरफ। तो बीच में मैंने थोड़ी सी हरी चटनी रख दी, हरी चटनी दही वाली चटनी है ये, इसकी वीडियो में पहले शायद शेयर कर चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी आपको, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। अभी के लिए वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक के जरिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।